Hello everyone, this is Shashi Bhushan Yadav and it's your channel Let's Enjoy Physics. So today we are going to take into account uses of concave and convex mirrors. बच्चों हम लोगों ने इससे पहले इमेज फॉर्मेशन स्टडी कर लिया था. अब ये देखते हैं हमारे आसपास अपने सराउंडिंग में इसको यूज कहाँ करते हैं, क्योंकि हम लोग ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि अपने सराउंडिंग में हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में इसका यूज क्या है. तो बच्चों सबसे पहले हम बात करेंगे यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर और एप्लीकेशन ऑफ कॉनकेव मिरर्स. नॉर्मली बच्चों इस पे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो दे आस्क क्वेश्चन लाइक mention any three or mention any two uses of concave mirrors and also give reason. तो बच्चों इस पे important ये होता है कि बच्चों को ये तो पता होता है कि concave mirrors कहाँ use होते हैं कई बार, but they don't know the reason why they are used in such practical applications. तो आज हम ये सारी चीजें जानने वाले हैं बच्चे के करके हम लोग. So the very first use of concave mirror is it is used in torches, searchlights and headlights of vehicles. बच्चों सर्च लाइट आपने देखा होगा, जब चीजों को सर्च करना होता है तो आप टॉर्च जो या सर्च लाइट उसको बोलते हैं. नॉर्मली आप चीजों को सर्च करने के लिए लेकर जाते हैं तो आप देखते हैं कि वो जो लाइट होती है एक पर्टिकुलर रीजन में ही कन्फाइंड होती है. ठीक है, अब एक पर्टिकुलर रीजन में कन्फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं उसमें, या कैसे वो उस पर्टिकुलर रीजन में ही कन्फाइंड होती है लाइट. ठीक है, जो हमारे टॉर्च होते हैं वो हमारे सामने ही लाइट को फोकस करते हैं, ना कि चारों तरफ. जैसे बल्ब होता है, बल्ब क्या करता है, वो लाइट को चारों तरफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करता है, जबकि टॉर्च ऐसा नहीं करता है. ठीक है, ऐसे हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल्स आप देखते हो, जो गाड़ियां होती हैं उनके जो हेडलाइट्स होती हैं उसमें जो लाइट होती है वो उनके सामने ही फोकस करती है, वो चारों तरफ तो नहीं करती है, स्कैटर तो नहीं हो जाती है, क्योंकि स्कैटर चारों तरफ हो जाएंगे तो उनकी इंटेंसिटी घट जाती है. चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाने से उनकी इंटेंसिटी घट जाती है. तो इसके लिए आप क्या करते हैं बच्चों, यहाँ हम लोग समझने की कोशिश करते हैं. अब सपोज करो बच्चों ये है हमारा एक मिरर, कॉनकेव मिरर. ठीक है, दिस इज आवर कॉनकेव मिरर और ये है बच्चों इसका फोकस, दिस इज द फोकस ऑफ दिस मिरर, ये हमारा फोकस है. तो अब हम लोगों ने ये चीजें पढ़ी हुई है कि जब भी लाइट के फोकस से कॉनकेव मिरर पे जाती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल हो जाती है. तो आप सोचो, आपने इसके पहले पढ़ा था कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज दे ऑल कन्वर्ज एट फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन, और यहां हम उसका अपोजिट करने जा रहे हैं कि यदि सपोज करो हमने एक लाइट का सोर्स फोकस कर दिया, दिस इज द सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट. तो यदि फोकस का सोर्स ऑफ लाइट रख दिया जाए हम लोग, तो लाइट रेज ऐसे जाएंगी बच्चों, ये सारी ऐसे लाइट रेज जा रही होगी. और आपको पता है जब लाइट रेज फोकस से जा रही होती है तो वो मिरर से रिफ्लेक्ट होके पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के. तो ये जो लाइट रे है ये ऐसे इधर चली जाएगी, ये जो लाइट रे है इट विल गो दिस वे, इट विल गो दिस वे, इट विल गो दिस वे, will go this way, will go this way, it will go this way. And in this way, we find a strong parallel beam of light going in this particular direction. और ऐसे में आपकी ये जो strong parallel beam of light इधर जा रही है, इससे आप चीजों को, आप objects को आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि ये light ray अब जाएगी उन objects पे, पड़ेगी और उसके बाद रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों में आएगी, एंड देन यू विल बी एबल टू सी दैट ऑब्जेक्ट. सो टॉर्च एंड टॉर्चेस, सर्च लाइट्स एंड हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल्स आर यूज्ड, सॉरी वी यूज कॉनकेव मिरर इन टॉर्चेस, सर्च लाइट्स एंड हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल्स टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ताकि हमें एक पावरफुल और पैरेलल बीम ऑफ लाइट मिल जाए. जैसा कि आप हेडलाइट का देखते हो, उसके सामने एक पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट है दिखते, जिससे आप आसानी से देख पाते हो और सेफली ड्राइव कर पाते हो. ठीक है, नाउ लेट अस कम टू यूज टू, एंड दैट इज इन सेविंग मिरर्स. बच्चों सेव करने के लिए, डिटेल्स, फाइन डिटेल्स देखने के लिए नॉर्मली हम लोग जो मिरर यूज करते हैं, वेरी ऑफन वी यूज कॉनकेव मिरर्स.
तो अब ये क्या करता है भाई, ये थोड़ा सा केस अलग हो गया। आप सोचिए इसमें क्या होता है, आपने ये स्टडी किया हुआ है कि सपोज दिस इज अ मिरर, कॉनकेव मिरर, एंड दिस इज एफ एंड दिस इज सी, एंड इफ द ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन फोकस एंड पोल, फोकस और पोल के बीच में रखा होता है, तो आपको पता है एक वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है और बड़ी इमेज बनती है, वर्चुअल इरेक्ट एंड इनलार्जमेंट बनती है, दिस इज ए डैश बी डैश, दिस इज ए दिस इज बी। बच्चों ये एक स्पेशल केस भी था, आपको मैंने समझाया था कि इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर्स वी ऑलवेज गेट अ रियल एंड इनवर्टेड इमेज इफ वी कीप द ऑब्जेक्ट एनीवेयर बिटवीन इनफिनिटी एंड फोकस, बट द वन स्पेशल केस वाज इफ वी कीप द ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल वी ऑब्टेन इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज और इनलार्ज्ड। आप देख सकते हो ये इनलार्ज है, तो इसके मेजर की बात करें हम लोग तो वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्निफाइड, मैग्निफाइड अलार्जमेंट ऑल्सो वी कॉल इनलार्ज्ड। सो बेटा दिस पर्टिकुलर केस ऑफ द कॉनकेव मिरर इज यूज्ड इन द सेविंग मिरर। तो जो सेविंग मिरर होता है हम लोग यही कॉन्सेप्ट यूज करते हैं जब मिरर को हम अपने पास रखते हैं ताकि उसका फोकल लेंथ इतना ज्यादा हो या इतना हो एटलीस्ट कि जब हम उसको पास रख रहे हैं तो हम उसके फोकल लेंथ के रेंज में पड़े। ठीक है बच्चों, गुड। सो नॉर्मली ये जो मिरर्स होते हैं इनका फोकल लेंथ ज्यादा होता है, तो ये खैर आपको पता होना चाहिए क्योंकि फोकल लेंथ यदि छोटा होगा तो आपकी इमेज से फॉर्म ही नहीं बन, वो बन ही नहीं पाएगी, बहुत पास लेकर आना पड़ेगा। तो नॉर्मली इनका फोकल लेंथ ज्यादा होता है, और फोकल लेंथ कैसे ज्यादा कर सकते हैं तो बाय इंक्रीजिंग द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये चीजें होती है। नेक्स्ट बेटा डेंटिस्ट। अब बच्चों डेंटिस्ट जो होते हैं वो पेशेंट को टीथ को देखने के लिए कि वहां पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई कैविटी तो नहीं है, किसी तरह के जर्म्स, ये सारी चीजें है ना, इनको स्टडी करने के लिए दे ऑल्सो यूज कॉनकेव मिरर्स। अब ये जो कॉनकेव मिरर्स होते हैं बच्चों, फिर इसी जो कॉन्सेप्ट की बात की है, यही जो हमारा पर्टिकुलर केस है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड पोल वाला, यही केस वहां पे भी अप्लाई होता है, और इस तरह से वो टीथ का मैग्निफाइड इमेज देख पाते हैं। एंड देन सोलर फर्नेसेस। सोलर फर्नेस क्या होता है बेटा, जैसे आप किसी चीज को मेल्ट करना, जैसे आयरन को मेल्ट करना होता है तो उनको हम बोलते हैं ना मेटल फर्नेसेस बोलते हैं उनको। तो सोलर फर्नेसेस क्या होते हैं बेटा, सोलर लाइट पे बोल करते हैं, यहाँ पे हम कोल यूज नहीं करते हैं यहाँ पे, या और कोई सोर्स ऑफ हीट एनर्जी ना यूज करके वी डायरेक्टली यूज द सनलाइट। अब इसमें क्या करना होता है, वी टेक द वेरी लार्ज कॉनकेव मिरर्स, बहुत बड़े कॉनकेव मिरर्स लेते हैं बेटा, और उस पे जब सनलाइट आती है तो हमें पता है सन इज वेरी फार फ्रॉम हियर, सो वहां से जो लाइट रेज आ रही होती है बेटा वो पैरेलल आ रही होती है, तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट जब आकर वहां उस कॉनकेव लार्ज कॉनकेव मिरर पे सारी पड़ती है, दे गेट फोकस्ड ऑन द फोकस, तो ये फोकस वाले रीजन में वो कंसंट्रेट हो जाती है और इस तरह से बहुत ज्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब एक चीज और जानने वाली चीज है, ये जो सन से लाइट आई है उस लाइट का कौन सा कंपोनेंट है जो हीट प्रोड्यूस करता है, तो बच्चों उनमें इंफ्रारेड रेडिएशंस होती हैं जिनको आईआर बोलते हैं, हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में इसको स्टडी कर लेंगे। तो खैर इतना आपके लिए जानना जरूरी है कि इंफ्रारेड रेडिएशंस आर कॉल्ड हीट रेडिएशंस, विजिबल लाइट की वजह से ये हीट प्रोड्यूस नहीं होती है, हीट प्रोड्यूस होती है इंफ्रारेड की वजह से। तो बच्चों ये तो हो गए कुछ कॉमन यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर्स, एक बार फिर से मैं समराइज कर देता हूँ, टॉर्च, सर्च लाइट एंड हेड लाइट्स में इनको यूज करते हैं हम लोग, क्यों, टू गेट द पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट। कैसे करते हैं, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है सॉरी सोर्स जो होता है उसको हम लोग कॉनकेव मिरर के फोकस पे रख देते हैं, मतलब जैसे आपकी जो हेडलाइट होती है गाड़ियों की उसमें जो बल्ब लगा होता है वो, और जो आपका हेडलाइट होता है उसमें जो कॉनकेव मिरर होता है उसके फोकस पे रखा होता है, ताकि जब लाइट पे वहां से उस पे पड़े मिरर पे तो रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल हो जाए। ऐसे ही वी यूज इट इन सेविंग मिरर, सेविंग मिरर में यूज करते हैं, तो इसका जो है स्पेशल केस यूज किया जाता है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन फोकस एंड पोल इट फॉर्म्स वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्निफाइड इमेज। डेंटिस्ट के केस में भी यही स्टोरी यूज होती है बेटा, द सेम केस इज यूज्ड टू सी द लार्जर साइज ऑफ द टीथ या इंटरनल पार्ट्स ऑफ द टीथ
एंड यही स्पेशल केस उसमें भी यूज होता है. और सोलर फर्नेसेस में बेटा हम लोग लार्ज मिरर यूज करते हैं. और यहाँ पे केस बच्चों ये वाला यूज होता है कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे सनलाइट सन से आती है. ये सारी ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे दे आर कमिंग फ्रॉम द सन एंड दे ऑल कंसंट्रेट एट अ पॉइंट व्हिच वी नॉर्मली कॉल फोकस. तो ये केस हो गया बेटा सोलर फर्नेस का. दिस इज द फोकस. सो या ये सो दिस इज फॉर सोलर फर्नेस. सोलर फर्नेस एंड हियर वी हैव समवेयर सन एट इंफिनिटी. तो ये तीन केसेस आपको हमने समझा दिए बेटा यहाँ पे. एंड आई थिंक दिस इज वेरी सिंपल टू यू अंडरस्टैंड. आप अच्छे से इसके नोट्स बना लीजिए, लिख लीजिए और इनको समझ भी लिया आप लोग तो भूलने की कोई बात कर है. And after that, we will take into account the uses of convex mirrors. So, let's now take into account the use of convex mirrors. तो कुछ देखते हैं convex mirror का क्या use होता है. सबसे पहला convex mirror का use ये होता है. अच्छा एक चीज बता दो पहले बच्चों start करने से कि हमें पता है कि concave mirror जो है it forms real image as well as virtual image. It form real image when the object is kept anywhere between infinity and focus. And it forms virtual image when the object is kept between focus and pole. But this convex mirror always forms virtual and diminished image. And this particular property of the convex mirrors is used in its applications. So very first use or application is as rear view mirror in vehicles. बच्चों जो हमारी गाड़ियां होती हैं आपने देखा होगा ड्राइवर के साइड में एक मिरर लगा होता है. और जब भी वो ड्राइव कर रहा होता है इनफैक्ट दोनों साइड लगे होते हैं और ड्राइव करते समय हमेशा पीछे कोई ट्रैफिक तो नहीं है या ओवरटेक करने के लिए पीछे से कोई व्हीकल तो नहीं आ रही है ऐसे केसेस में वो लगातार अपने उन मिरर्स पे देखता रहता है. तो ये होता है कैसे क्या करता है. तो बेटा ये जो हमारे कॉन्वेक्स ये जो हमारे हेडलाइट्स होते हैं सॉरी ये जो हमारे रियर व्यू मिरर्स होते हैं इनको रियर व्यू मिरर्स बोलते हैं. उनमें कॉन्वेक्स मिरर्स लगे होते हैं. वो कॉन्वेक्स मिरर क्या करते हैं व्हीकल के पीछे जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो भी व्हीकल्स आ रही होती हैं उनकी डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म करते हैं इरेक्ट इमेज फॉर्म करते हैं. अब सोचो यदि इमेज छोटी छोटी बड़े बनेगी तो हमें ज्यादा एरिया कवर होगा जिसको हम फील्ड ऑफ व्यू बोलते हैं. सो दिस रियर व्यू मिरर्स दे आर कॉन्वेक्स इन नेचर दे फॉर्म इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज एंड देयरफॉर दे फैसिलिटेट वाइडर फील्ड ऑफ व्यू. अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं. तो ये देखिए हमारे पास प्लेन मिरर है. प्लेन मिरर का नॉर्मली जो फील्ड ऑफ व्यू होता है जैसे सपोज करिए लाइट ऐसे पड़ी ऐसे ये आई तो यहां से रिफ्लेक्ट होकर यहां आना और ये यहां ऐसे आके और इधर ये कोई भी. तो बच्चों ऐसे केस में ये इसका फील्ड ऑफ व्यू जो है इतने ही रीजन में होता है. दिस इज द फील्ड ऑफ व्यू ऑफ द प्लेन मिरर. जबकि यदि हम कॉन्वेक्स मिरर के केस में बात करें बच्चों तो आप देख सकते हैं इस केस में चूंकि आपको पता है ये स्फेरिकल होता है ऐसे आना है यहाँ पे ये इसके सेंटर पे ये बहुत दूर इधर से आ सकता है. एक्सट्रीम हम लोग बेस कंसिडर कर रहे हैं और ऐसे में हमारे लिए ये इसका साइज बनता है मतलब यहाँ पे हमारी इमेज बनती है कुछ ये. अब देखो बच्चों ये जो इसका फील्ड व्यू है इतना ज्यादा है फील्ड व्यू. सो दिस पर्टिकुलर डायमीटर आई हैव टेकन सेम फॉर बोथ द मिरर्स. बच्चों ध्यान से देखा जाए तो ये जो डायमीटर है देखिए स्फेरिकल मिरर का जो डायमीटर होता है उसको हम क्या बोलते हैं एपर्चर. याद है आप लोगों को दिस इज कॉल्ड एपर्चर. तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए बेटा जो इस स्फेरिकल या कॉन्वेक्स मिरर का डायमीटर है जिसको कि हम रिफ्लेक्टिंग स्फीयर का स्फेरिकल मिरर का रिफ्लेक्टिंग पार्ट जो होता है जिसको एपर्चर भी बोलते हैं हम लोग ये उतना ही है जितना कि ये प्लेन मिरर का. मींस यदि इसको मैं ए बी कह दूं और इसको पी क्यू कह दूं बेटा सो ए बी इज इक्वल टू पी क्यू. Being size remaining the same, we can see that this field of view of the convex mirror is much much larger than the field of view of the plane mirrors. And this particular point is used in the rear view mirrors of the vehicles to see the traffic behind the vehicles.
तो हमें लार्जर या वाइडर फील्ड ऑफ व्यू मिलता है, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज बनती है। बच्चों इसलिए आपने देखा होगा उस मिरर पे लिखा होता है ऑब्जेक्ट्स आर क्लोजर देन दे अपीयर। ऑब्वियस बात है जब छोटी छोटी इमेज बना रहे हैं तो ऑब्वियसली वो ज्यादा नजदीक है जितना अपीयर हो रहे हैं। इसीलिए जब ये ड्राइवर होते हैं लोग, इनको एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है। विदाउट ट्रेनिंग किसी ड्राइवर को लाइसेंस ग्रांट नहीं होता है। तो आप लोगों को भी यदि ड्राइविंग करनी है तो पहले प्रॉपर आप ट्रेनिंग लीजिए और समझिए कि कोई ऑब्जेक्ट कहाँ है तो उसकी इमेज कितनी दूर बनती है। अदरवाइज हो सकता है पहले ही गाड़ी लेकर चल दिए और कहीं फिर पीछे से आके सिर्फ ठोंक दिया तो सारा हो गया सवाल। ठीक है जी। सो नाउ द सेकेंड यूज ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर्स, यूज्ड एज ब्लाइंड कॉर्नर मिरर्स ऑन द रोड टू हेल्प ड्राइवर व्यू ट्रैफिक अराउंड द शार्प कॉर्नर्स। अंधा मोड़ का नाम सुना होगा आप लोगों ने बच्चों, इन्हीं अंधे मोड़ को हम लोग बोलते हैं ब्लाइंड कॉर्नर मिरर्स। अब जो अंधे मोड़ होते हैं वहां पे मुड़ने के लिए, क्योंकि वहां शार्प कॉर्नर होने की वजह से हमें पता नहीं चल पाता है कि उधर से भी कोई गाड़ी आ रही है क्या, तो इन जगहों पे भी हम लोग यही कॉन्वेक्स मिरर्स यूज करते हैं। ठीक है। सो दिस आर द यूजेस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर्स। और इनके यूजेस पे सबसे खास बात ये है बच्चों कि इनका जो रीजन है वो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन यही है कि दे प्रोवाइड द वाइडर फील्ड ऑफ व्यू और लार्जर फील्ड ऑफ व्यू। ठीक है। जबकि कॉन्केव मिरर्स में आपने देखा था अलग अलग तरीके से उसका हम लोग यूज कर रहे थे, है ना, टॉर्च सर्च लाइट में हम लोग और हेडलाइट ऑफ द व्हीकल्स में हम लोगों ने क्या किया था, और सोर्स को फोकस पे रखा था एंड वी प्रोड्यूस द पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ठीक है। हम लोगों ने सोलर फर्नेस में क्या किया था, सोर्स बहुत दूर था जैसे सन, वहां से लाइट आ रही थी, मिरर पे पड़ने के बाद सबको फोकस पे कंसंट्रेट कर रहा था। शेविंग मिरर और डेंटिस्ट में क्या किया था हम लोगों ने बच्चों, ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखा था ताकि लार्ज और इरेक्ट इमेज बना सके। अब कॉमन मिस्टेक जो बच्चों से यहाँ पे होती है, एक बच्चों हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स एंड रियर व्यू मिरर ऑफ व्हीकल्स, क्योंकि दोनों ही व्हीकल से जुड़े हुए हैं तो ये ध्यान रखना है कि हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स में वी हैव टू ऑब्टेन पैरेलल स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट एंड फॉर दैट वी यूज कॉनकेव मिरर्स। इन रियर व्यू मिरर्स हमें क्या करना होता है, व्हीकल के पीछे का ट्रैफिक को देखना होता है कि दूर दूर तक कोई ट्रैफिक तो ज़्यादा नहीं है, गाड़ी से कोई पीछे से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है, हम सोचो टर्न करने वाले हैं और पीछे से कोई ओवरटेक तो करने वाला नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को देखने के लिए हम क्या करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। नाउ आई थिंक यू विल नेवर फॉरगेट इट। सो दिस आर द वेरी कॉमन यूजेज एंड प्रैक्टिकल यूजेज ऑफ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर्स इन आवर डे टू डे लाइफ। अब बच्चों आप इनके अलावा और जहां भी कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस आप देखते हैं आपको उनकी एक लिस्ट बनानी है एंड कमेंट इट इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपको थोड़ा सा हिंट भी दे देता हूं, जैसे आप स्कूल में जाते हो तो आजकल डिजिटल क्लासरूम्स हैं और वहां पे ओवरहेड प्रोजेक्टर्स यूज होते हैं, वहां पे कौन से मिरर्स यूज होते हैं, आपने पेरिस्कोप देखा होगा वहां पे कौन से यूज होते हैं। तो इनके अलावा अब आपको एक लिस्ट बनानी है, और किसकी लिस्ट बनानी है बच्चों, तीन की, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, इन तीनों का आप तीन कॉलम बनाइएगा, सीरियल नंबर लिखिएगा 1, 2, 3 एंड सो ऑन एंड मेंशन द यूजेस अलोंग विद रीजन। जैसे मैंने आपको सबका रीजन भी बताया वैसे ही आपको क्या करना है, ये मेंशन करने हैं एप्लीकेशंस प्लेन मिरर का जितने भी हो उनका, क्यों इस हम एप्लीकेशन वो यूज करते हैं, ऐसे ही कॉन्केव मिरर में इस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्यों यूज करते हैं, ये सब आपको एक बनाना है और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। देखते हैं आप कितना समझ पा रहे हैं। एंड देन वी विल नाउ टेक इनटू कंसिडरेशन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर एंड दैट इज साइन कन्वेंशंस। So now we are going to discuss about the sign conventions for reflection by spherical mirrors, and we also call it new Cartesian sign conventions to honor the Descartes mathematician who gave the XYZ coordinate system, जिसको Cartesian coordinate system भी बोलते हैं बच्चों। तो Cartesian coordinate system में हमें पता है XYZ axis होते हैं और उनका जो
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसको हम ओरिजिन बोलते हैं। तो ये सपोज करो बेटा हमारा एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, क्योंकि हम एक प्लेन की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे हमारा ये जो पॉइंट है दिस इज द ओरिजिन। सो द पॉइंट वेयर द एक्सेस दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री इज कॉल्ड ओरिजिन, आप सबको पता है। तो इसी को फॉलो करके बेटा हम लोगों ने मिरर के केस में भी एक साइन कन्वेंशन फॉलो किया है फॉर द मेजरमेंट ऑफ द डिस्टेंसेस। जैसे सपोज करिए हमारे पास ये एक मिरर है, आप देख रहे हो कॉनकेव मिरर है, ये कॉन्वेक्स भी हो सकता है। हम हमेशा एज अ कन्वेंशन एज अ कन्वीनियंस कोशिश हमेशा ये रहती है कि इसका जो रिफ्लेक्टिंग फेस होता है बेटा लेफ्ट की तरफ फेस करते हैं, और पॉलिश्ड साइड जो होता है वो राइट की तरफ फेस करते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है, आप चाहो तो रिफ्लेक्टिंग को राइट कर सकते हो और पॉलिश्ड को लेफ्ट कर सकते हो, बट टू मेंटेन अ यूनिफॉर्मिलिटी अक्रॉस द ग्लोब फॉर ऑल द पीपल वी हैव टेकन अ कन्वेंशन कि नॉर्मली हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस को लेफ्ट की तरफ फेस करेंगे और पॉलिश्ड सरफेस को राइट की तरफ फेस करेंगे। अब मैंने बेटा यहाँ पे कॉनकेव मिरर का केस लिया है, आप कॉन्वेक्स के लिए भी यही केस कंसीडर कर सकते हैं एंड द रूल्स विल रिमेन सेम। सो व्हाट वी डू इज द वेरी फर्स्ट कन्वेंशन साइन कन्वेंशन इज ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर ऑलवेज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। तो इस पे ध्यान से देखो बेटा, द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। हम लोगों को ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के लेफ्ट में रखना है, तो ऑब्वियस बात है यदि ऑब्जेक्ट को लेफ्ट में रखना है तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस उसका लेफ्ट फेसिंग होना चाहिए। तो ये हो गया बेटा प्रिंसिपल एक्सिस, और हम लोग नॉर्मली ऑब्जेक्ट्स को कहाँ रखते हैं बच्चों, ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। और हमारा ये सपोज करिए ऑब्जेक्ट है, सो लेट अस से दिस इज एन ऑब्जेक्ट, इसका कुछ नाम दे सकते हैं हम लोग ए बी, क्लियर। सो दिस इज द वेरी फर्स्ट साइन कन्वेंशन, ये कन्वेंशन है हमारा, ये कोई फिक्स्ड रूल नहीं है, ये एक कन्वेंशन इसलिए लिया ताकि सबके लिए आसान रहे चीजें, जब भी जितनी भी बुक्स हों सब में एक ही तरह से छपे ये, ताकि उसमें प्रॉब्लम ना आए, है ना, ये बात है बस। सो ये हो गया। सेकंड इज ऑल द डिस्टेंसेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। बच्चों वो सारी डिस्टेंस जो इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, है ना, या तो प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग हो या इनके पैरेलल हो, उन सभी डिस्टेंसेस को हमेशा कहां से मेजर करना है बच्चों, पोल से। अब इसको सोचिए जैसे एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप सारे डिस्टेंसेस को कहां से मेजर करते हैं, ओरिजिन से। ठीक वैसे ही यहां हमारे मिरर के केस में, स्फेरिकल मिरर्स के केस में पोल विल बी कंसीडर्ड एज द ओरिजिन, प्रिंसिपल एक्सिस विल बी कंसीडर्ड एज एक्स एक्सिस, और एनी वर्टिकल लाइन परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल बी कंसीडर्ड एज y एक्सिस। सो नॉर्मली हम यही से मान सकते हैं, यही से आप चाहो तो बना सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इट्स ऑल योर चॉइस, तो यहां से बना दिया, इट कैन बी कंसीडर्ड एज y एक्सिस। ठीक है बच्चों, सो नेक्स्ट पॉइंट विल बी ऑल द डिस्टेंसेस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर मेजर्ड फ्रॉम पोल आर टेकन पॉजिटिव, वेयर एज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन नेगेटिव। अब देखो बच्चों, ऑब्जेक्ट यदि इधर है तो लाइट रे किधर से आएगी, इधर ही से आएगी, ऑब्वियस सी बात है। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, आप देख रहे हो ये जो मैंने एरो बना रखा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे। सो इफ वी हैव टू मेजर द डायरेक्शन डिस्टेंस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, तो आप मेजर कहां से करोगे, पोल से। इसका मतलब पोल से राइट के सारे डिस्टेंसेस पॉजिटिव मेजर किए जाएंगे, एंड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे मीन्स पोल से जब आप लेफ्ट आओगे तो डिस्टेंसेस विल बी टेकन नेगेटिव। तो इसको दूसरे तरीके से भी हम समझ सकते हैं, इतना टेक्निकल ना समझ में आ रहा है तो बहुत आसान है समझना कि ऑल डिस्टेंसेस टू द लेफ्ट ऑफ द पोल आर टेकन नेगेटिव एंड ऑल डिस्टेंसेस टू द राइट ऑफ द पोल आर टेकन पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, देन फोर्थ पॉइंट, डिस्टेंसेस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू एंड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड पॉजिटिव। अब जैसे बच्चों हम लोगों ने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो हमें इसके प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर, ऑब्वियस बात है इसकी यदि मेरे को हाइट मेजर करनी हो, बच्चों देखिए इसको यदि मैं कुछ भी नाम दे दूँ एच ओ, एच ओ स्टैंड्स फॉर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये एच ओ कैसा डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और किसके परपेंडिकुलर, प्रिंसिपल एक्सिस के। सो ऑल द परपेंडिकुलर डिस्टेंसेज एंड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन पॉजिटिव, तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर का कोई भी डिस्टेंस जो होगा, और यदि वो
perpendicular hai to usko positive. Similarly, all the distances below the principal axis, jaise maan lijiye ye iski image hui thi, let us say this is the image of this particular object a dash b dash. तो इसके हाइट को हम h i रिप्रेजेंट कर सकते हैं हाइट ऑफ इमेज. सो दिस पर्टिकुलर हाइट इज बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस एंड देयरफॉर इट इज टेकन नेगेटिव और मेजर्ड नेगेटिव. ठीक है बच्चों, तो एक बार मैं यदि इसको जल्दी जल्दी फिर से रिकैप करने की कोशिश करूं तो आपको समझ में आएगा कि सबसे पहले ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर ऑलवेज स्किप टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर एंड सेकेंड ऑल द डिस्टेंसेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस measured from the pole in the direction of incident ray are taken positive, opposite to the direction of incident ray are taken negative. And in more simple words, all the distances to the right of pole are taken positive and to the left of pole are taken negative. Third point and fourth point is all the distances perpendicular to the principal axis and above the principal axis are taken positive and all the distances perpendicular to the principal axis and below the principal axis are taken negative. So these are the sign conventions that we use in case of spherical mirrors, and we also call it new Cartesian sign conventions because it is in direct accordance with the XYZ Cartesian coordinate system. तो ये तो होगी बच्चों हमारी बात Cartesian coordinate system की या न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस की या साइन कन्वेंशंस फॉर स्फेरिकल मिरर्स की. अब बच्चों इसमें हम देखते हैं मिरर फॉर्मूले के बारे में. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज, अच्छा पहले उसके बच्चों थोड़ा सा इसको आप फटाफट नोट कर लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं मिरर फॉर्मूले की. सो लेट्स नाउ कंटिन्यू विद द मिरर फॉर्मूला. तो बच्चों देखिए अब तक हम लोगों ने जो न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस पढ़े हैं ये सब नाम है जिसको हम साइन कन्वेंशन पर स्फेरिकल मिरर्स भी बोलते हैं. इसमें बस आपको मोटी मोटी दो बातें याद रखनी है. एक तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के राइट का पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के लेफ्ट का नेगेटिव, सॉरी पोल के राइट का पॉजिटिव, पोल के लेफ्ट का नेगेटिव, एबव द प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस नेगेटिव. ये आपको ध्यान रखना है दिमाग में चीज. अब बच्चों देखिए मिरर फॉर्मूला क्या होता है. तो ये एक रिलेशनशिप है बिटवीन यू वी एफ आर, यू वी एंड एफ कह लो या यू वी एंड आर कह लो. तो ये रिलेशन क्या होता है इसको थोड़ा ध्यान से पहले समझने के पहले कुछ टर्म्स जानते हैं बच्चों. डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू द पोल, अब जैसे आप देखिए याद करिए एंगल्स आर ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द नॉर्मल, जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मेजर्ड फ्रॉम नॉर्मल टू द इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज मेजर्ड फ्रॉम नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टेड रे. बच्चों ठीक वैसे ही आज के बाद ये हमेशा ध्यान रखना ऑल द डिस्टेंसेज इन केस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स आर ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम पोल, जो साइन कन्वेंशंस में भी हमने स्टडी कर लिया है. सो डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. सो लेट अस से दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू ऑब्जेक्ट एंड बी रिप्रेजेंटेड बाय यू. सो यू इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है बच्चों, एंड मेजर्ड फ्रॉम पोल टू ऑब्जेक्ट. सो डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम पोल टू द ऑब्जेक्ट, ठीक है ये बात समझ में. ठीक वैसे बच्चों द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम पोल टू इमेज रिप्रेजेंटेड बाय वी इज कॉल्ड इमेज डिस्टेंस. तो पोल से इमेज तक का डिस्टेंस हम क्या बोलेंगे, इमेज डिस्टेंस वी. सो वी विल बी इमेज डिस्टेंस एंड दैट इज डिस्टेंस मेजर्ड from pole to the object. भैया पोल को नहीं भूलना है, पकड़ के रखिएगा. पोल को यदि नहीं पकड़ के रखेंगे तो फिर भाग जाएगा. तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि all the distances are to be measured from the pole. Now next, F is focal length
और ये भी आपको पता है डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द पोल टू द फोकस. सो पोल से फोकस तक के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे हम लोग बेटा, फोकल है. अब जैसे इस केस में मान लेता हूं बेटा ये हमारा यहां पे फोकस है, ओके, एंड लेट अस से दिस इज आवर सी. तो इसको हमने सी मान लिया, इसको हमने एफ मान लिया बच्चों, ठीक है. तो ये जो डिस्टेंस होगी बच्चों हमारी, आप देख सकते हैं दिस विल बी फोकल लेंथ. ये चीज ध्यान रखना बेटा, मैं कैपिटल एफ यूज करता हूं फोकस के लिए, पॉइंट के लिए. स्मॉल एफ वर्ड यूज करता हूं फोकल लेंथ के, लेटर यूज करता हूं फोकल लेंथ के लिए. देखिए कैपिटल सी सेंटर ऑफ कर्वेचर एक पॉइंट है, कैपिटल एफ एक पॉइंट है, फोकस रिप्रेजेंट करता है. कैपिटल पी एक पॉइंट है, पोल को रिप्रेजेंट करता है. एफ स्मॉल लेटर है, फोकल लेंथ को रिप्रेजेंट करता है. स्मॉल वी इमेज डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है और स्मॉल यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है. तो बच्चों ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है. तो ये हो गया हमारा फोकल. अब बच्चों साइन कन्वेंशन कैसे यूज करते हैं और फॉर्मूला क्या है ये हम जानेंगे, ठीक है. तो थोड़ा सा ध्यान देखते हैं हम लोग. फॉर कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव मिरर बच्चे दो तरह के इमेज फॉर्म करता है, रियल और वर्चुअल. सो फर्स्ट लिखेंगे फॉर रियल इमेज, फॉर रियल इमेज, और दूसरा फॉर वर्चुअल इमेज. अब थोड़ा ध्यान समझिए बेटा, रियल इमेज कॉनकेव मिरर कब फॉर्म करता है, व्हेन ऑब्जेक्ट इन द रेंज ऑफ इंफिनिटी टू एफ. मुझे लगता है ये सबको पता है कि जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था तो फोकस पे इमेज बनी थी और रियल बनी थी. फिर जैसे जैसे आप फोकस की तरफ आते गए थे ऑब्जेक्ट मिरर से दूर जाती गई थी. जब ऑब्जेक्ट फोकस पे आ जाता है तो इमेज इंफिनिटी बनती है. तो पहला केस ये बना. इन सभी केसेस में बेटा यू कैसा होगा, निगेटिव. क्यों, यू को तो हमेशा लेफ्ट में रखना है तो निगेटिव हो जाएगा. वी कैसा होगा, निगेटिव. क्यों निगेटिव होगा, क्योंकि रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड और उसी साइड बनती है, ऑन द सेम साइड बनती है. तो जब सेम साइड में बनेगी तो डिस्टेंस इधर ही से मेजर होगा, तो पोल से लेफ्ट का डिस्टेंस निगेटिव होता है, तो वी विल बी ऑलवेज निगेटिव. एफ बच्चों कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस आपने डिफाइन किया था याद होगा लेक्चर में, वो किधर लाई कर रहा था, ऑन द सेम साइड. आप देख भी रहे हैं यहां पे, तो ये भी हमेशा नेगेटिव होगा क्योंकि ये भी पोल के लेफ्ट में है, तो एफ विल बी आल्सो नेगेटिव, ठीक है. अब आ जाते हैं इसके लिए पर वर्चुअल. तो ऑब्जेक्ट इन द रेंज एफ टू पी, तो यहां पे आप बच्चों सबको पता है कि यदि आपको वर्चुअल इमेज फॉर्म करनी है कॉनकेव मिरर से तो ऑब्जेक्ट कहां होना चाहिए, फोकस और पोल के बीच में. ऐसे केस में देखिए बेटा यू कैसा होगा, यू तो अभी भी नेगेटिव होगा क्योंकि यू को हमेशा लेफ्ट में रखना है. वी अब भी पॉजिटिव हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इमेज किधर बनेगा, ऑन द अदर साइड, दैट इज ऑन द राइट साइड. यही तो स्पेशल केस है जो आपको ध्यान में रखना है. सो इन दिस केस वी विल बी पॉजिटिव एंड इफ वी टॉक अबाउट एफ इट विल बी नेगेटिव. एफ तो नेगेटिव होने ही होने हैं क्योंकि फोकल लेंथ तो लेफ्ट में ही रहता है कॉनकेव मिरर. तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है बेटा कि इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर यू वी एंड एफ ऑल थ्री आर नेगेटिव फॉर द रियल इमेजेस एंड यू एंड एफ आर नेगेटिव फॉर वर्चुअल इमेज, ओनली वी इज पॉजिटिव फॉर द वर्चुअल इमेज. गुड. अब इसके बाद बच्चों फटाफट देख लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए. सो बाकी सारी चीज ऐसी रहेगी, मैं कॉन्वेक्स के लिए बस ये वाली चीज मिटा देता हूं क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर हमारा रियल इमेज फॉर्म नहीं करता है. सो दिस इज फॉर कॉन्वेक्स मिरर्स. तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमेशा कौन सा केस बनेगा बच्चों, वर्चुअल का, और ऑब्जेक्ट का रेंज कहां रहेगा, इंफिनिटी टू पोल. वर्चुअल इमेज ऑब्जेक्ट रेंज, तो ऑब्जेक्ट का रेंज क्या होगा बेटा, इंफिनिटी टू पोल. इमेज की रेंज क्या होगी बेटा,
इमेज की फ्रेंज अपने यहाँ कितनी दूरी बनता है, तो इमेज रेंज होती है हमारी फोकस और पोल, क्योंकि हमेशा फोकस और पोल के बीच में बनता है और हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। तो ये ध्यान रखना है, कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल इमेज, तो ये बच्चों को हमारे पता है। अब इस केस से बच्चों देखिए, यू तो ये तो नेगेटिव ही रहना है क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में होता है। वी पॉजिटिव होगा, क्यों पॉजिटिव होगा, क्योंकि इमेज राइट साइड में बनेगी तभी तो वर्चुअल होगी। और एफ कैसा होगा बच्चों, तो ये है आपका कॉन्वेक्स मिरर, आप देख सकते हैं इसका फोकस किधर लाई करता है, इस साइड लाई करता है, तो वो कैसा होगा पॉजिटिव, क्योंकि पोल हमारा ये है, तो पोल से देखिए राइट का डिस्टेंस एफ पॉजिटिव, सो एफ विल बी ऑल्सो पॉजिटिव। सो इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर्स यू इज नेगेटिव, V is positive, F is positive. So बेटा फटाफट इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम बात करते हैं मिरर फॉर्मूले के। So now we'll formally see the mirror formula. बच्चों मिरर फॉर्मूले का जो डेरिवेशन है ये आप जब ट्वेल्थ में आओगे तो हम लोग उसको डेरिवेशन करेंगे। अभी डेरिवेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, सिर्फ हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए और साइन कन्वेंशंस यूज करके कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करना है ये पता होना चाहिए। तो बच्चों मिरर फॉर्मूला होता है 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। सो 1 ओवर एफ इक्वल्स 1 ओवर वी प्लस 1 ओवर यू। यू नो एफ इज फोकल लेंथ, वी इज इमेज डिस्टेंस, यू इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब बच्चों कई बार इसको ऐसे भी लिखा जाता है ऑल्सो, वी नो that f equal to r by 2, f r by 2 होता है, तो इस f के जगह पे रख दिया जाए r by 2, तो 1 upon v plus 1 upon u, so this 2 will go up, it will make 2 by r equal to 1 upon v plus 1 by u. So बच्चों यही फॉर्मूला हम रेडियस ऑफ कर्वेचर के टर्म्स में भी लिख सकते हैं और यही फॉर्मूला हम लोग फोकल लेंथ के भी टर्म्स में लिख सकते हैं, आपको जैसा सुविधा हो, बट ये आपके लिए ज्यादा आसान होता है। और इसमें जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेटा, ये चीज अपने दिमाग में गांठ बांध लीजिए, व्हेनेवर यू आर गोइंग टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द मिरर फॉर्मूला ऑलवेज यूज द साइन कन्वेंशंस। और साइन कन्वेंशंस यूज करने के लिए आपको रूल मैंने बता दिया है, फॉर कॉनकेव मिरर्स फॉर रियल इमेजेस यू वी एफ ऑल आर नेगेटिव, and for concave mirror for virtual images u and f are negative, v is positive, and in case of convex mirrors you know the images are always virtual, so u is negative and v and f are always positive, so that is how we will use the sign conventions. So write this formula, we'll be using it to solve the mental problems and you will see the problems are very simple to solve. हम लोग देखेंगे कैसे आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं, तो इसको फटाफट नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मैग्निफिकेशन की। सो लीनियर मैग्निफिकेशन या वी आल्सो कॉल इट मैग्निफिकेशन, तो बच्चों लीनियर मैग्निफिकेशन या मैग्निफिकेशन इसकी हम लोग बात करें तो यह है क्या, तो बच्चों हमें पता है कि जब हम ऑब्जेक्ट के पोजिशन को चेंज करते हैं तो इमेज का साइज चेंज होता जाता है, ये चीज आपने देखा था ड्यूरिंग द इमेज फॉर्मेशन। सो इट मींस दैट इवन इफ वी कीप द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एंड इफ वी मूव दिस ऑब्जेक्ट ईदर क्लोजर टू द मिरर और अवे फ्रॉम द मिरर देन द साइज ऑफ इमेज चेंजेस। तो बेटा रिलेटिव द रेशियो ऑफ साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नॉर्मली टर्म्ड एज मैग्निफिकेशन, और इसको हम लोग एम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो थोड़ा डिटेल में इसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। सो मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट और वी कैन ऑल्सो से साइज of the image to the
साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है, इमेज टू द साइज और वी कैन से टू द हाइट. नाउ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. सो इट इज डिफाइंड इन द रेशियो ऑफ द हाइट और साइज ऑल्सो वी कैन कंसिडर ऑफ द इमेज टू द हाइट और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. In our case, since we are taking an arrowhead type of object, extended object, so height will be a more appropriate term. However, suppose if we take an object in the shape of, suppose, a rectangle or a square or any other non-uniform size shape, then in that case, size become a more pronounced one. ठीक है? So, ऐसे केस में हमारे लिए definition, it is represented by M. इसको बच्चों हम लोग M से लिखते हैं. So magnification M is equal to height of image upon height of object. अब बच्चों देखिए height of object को H O consider कर रहे हैं and height of image को H I. So this is written as H O over hi. Clear? अब बेटा थोड़ा सा हम ध्यान से इस चीज को समझने की कोशिश करें अभी. तो ये जो मैग्निफिकेशन हमारा आया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ इमेज, इसी को एक और फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम लोग. एंड दैट इज m इज इक्वल टू माइनस ऑफ v ओवर u. वी कैन ऑल्सो राइट द magnification in terms of distance of the image from the cone to the distance of the object from the cone. अब ये कैसे आया बच्चों, यहाँ हम लोग उसमें interested नहीं है. So we have to directly keep this formula in our mind and while solving the numerical problems we will be using it. And since both are magnifications we can also write h o height of image. Please make a correction here. Height of image is hi. Hi over ho equals minus v over u. So this is the formula of magnification. We also call it linear magnification. और ये formula हम लोग कैसे use करना है while solving the numerical problems we'll see. However, the only thing of caution is एक चीज जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है वो ये है. जब भी आप मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे या मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे बच्चों साइन कन्वेंशन जरूर यूज करना है. अब दो तीन चीजें थोड़ा सा और इसमें जान लेते हैं. देखिए एम की वैल्यू जो है ये ग्रेटर देन 1 हो सकती है, ये इक्वल टू 1 हो सकती है और ये लेस देन 1 हो सकती है. ये तीन केसेस हो सकते हैं. ये चीजें ध्यान रखनी है कि मैग्निफिकेशन कैन बी इधर ग्रेटर देन 1, इट कैन बी इक्वल टू 1 और इट विल बी लेस देन 1. बच्चों m ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है? इट मींस दैट द हाइट ऑफ द इमेज इज ग्रेटर देन द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. एक मतलब इसका मतलब कि इमेज का हाइट ज्यादा होना में बड़ी इमेज बनना ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में. और ऐसे केस में बच्चों बोलते हैं कि इमेज इज मैग्निफाइड. इमेज इज मैग्निफाइड. तो यहां एच आई हाइट ऑफ इमेज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और उसका नेचर होता है मैग्निफाइड. मैग्निफाइड मींस हमारी जो इमेज है वो बड़ी है. m इक्वल टू 1 इट मींस दैट हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड देयरफॉर एच आई इक्वल टू एच ओ. एच आई इक्वल टू एच ओ एंड इन दिस केस नो मैग्निफिकेशन. नो magnification and m less than 1 means obviously hi is less than ho. Hi is less than ho and we say diminished image. Diminished image. तो ये तो बेटा तीन केसेस हो गए हमारे, केस 1, 2, 3. अब यदि मैं आपसे पूछूं कि इनके एग्जांपल्स आप बताइए कि इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर्स एंड कॉन्वेक्स मिरर्स कब ऐसा होता है कि m इज ग्रेटर देन 1. बच्चों आपको पता है कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म डिमिनिश्ड इमेज
तो ऑलवेज जिमेरिस्ट इमेज फॉर्म करता है तो उसके लिए कंडीशन ये होगी, ये हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता. सो दिस इज द केस फॉर कॉन्वेक्स मिरर्स. कॉन्वेक्स मिरर इट मींस दैट इफ वी आर गिवन दैट n इज लेस देन 1 वी आर 100% श्योर दैट इट इज अ कॉन्वेक्स मिरर प्रोवाइडेड द इमेज इज वर्चुअल. प्रोवाइडेड द इमेज इज वर्चुअल. तो बच्चों यदि इमेज वर्चुअल है और n लेस देन 1 है, इसका मतलब ये है कि वो मिरर कैसा है, कॉन्वेक्स मिरर. लेकिन सिर्फ यदि n लेस देन 1 है तो हम ये नहीं कह सकते कि वो कॉन्वेक्स है. क्यों? क्योंकि डिमिनिश्ड इमेज तो वर्चुअल, ये कॉनकेव मिरर भी फॉर्म करता है. तो ऐसे केस में ध्यान रखना है कि m लेस देन 1 इज द केस फॉर कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर्स. और कब कब ऐसा होगा? तो कॉन्वेक्स मिरर फॉर ऑल केसेस. ऑब्जेक्ट कहीं पे भी होगा बेटा तो उस केस में उसका मैग्निफिकेशन लेस देन 1 ही होना है फॉर ऑल केसेस. वेयर एज इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर आपको पता है जब तक ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड होता है. सो ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, जब तक ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड होगा. एंड इस केस में फॉर ऑल पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, इस केस में ऑब्जेक्ट के सभी पोजीशंस के लिए m इक्वल टू 1 कब होना है बच्चों? कॉन्वेक्स मिरर के केस में तो हो ही नहीं सकता है ये. तो ये सिर्फ कॉनकेव में होता है. और कब? जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा होता है. और आपको पता है उस केस में इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर है. सो इन दिस केस कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर एंड ऑब्जेक्ट एट सी, ये हो गए बच्चों. अब m ग्रेटर देन 1 means magnified, और magnified के लिए दोनों में होता है, convex में भी होता है और concave में भी होता है. तो एक बनेगा बच्चों concave का और दूसरा बचेगा बच्चों convex का. अब देखिए concave में कब होगा, कब magnified इमेज बनेगी? तो जब ऑब्जेक्ट C और P के बीच में रखा हो. सॉरी, convex कैसे हो सकते हैं? Convex can never give the magnification greater than 1. ये नहीं होगी. सिर्फ concave. 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 Because convex cannot form magnified image. तो convex cannot form magnified. सिर्फ concave ऐसा कर सकता है. तो अब बच्चों देखिए concave case में जब C और F के बीच पे object होता है तो image real बनती है, inverted बनती है और मैग्नीफाइड बनती है. और जब ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में होता है तो इमेज वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है और मैग्नीफाइड बनती है. इट मींस फॉर ऑब्जेक्ट्स बिटवीन सी एंड पी, ये हमारे केसेस ध्यान. इनके अलावा बच्चों एक चीज और आपको यदि ध्यान दिलाऊं तो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन का एसआई यूनिट क्या होगा? एसआई यूनिट तो आप देख रहे हो न्यूमरेटर में भी हाइट है और डिनोमिनेटर में भी हाइट है. इधर देखा जाए तो न्यूमरेटर में भी डिस्टेंस है और डिनोमिनेटर में भी डिस्टेंस है. सो इट्स अ प्योर रेशियो और प्योर रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है. सो नो यूनिट, वी कैन से यूनिटलेस. Why? प्योर रेशियो. प्योर रेशियो क्या होती है? सेम फिजिकल क्वांटिटीज की जो रेशियो होती है बेटा उनको हम लोग प्योर रेशियो. सो दिस इज ऑल अबाउट द मैग्निफिकेशन. लेकिन इनके साथ एक चीज और, फाइनली वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू जो बहुत यूज होने वाला है बच्चों. एम इक्वल टू नेगेटिव, इसका मतलब ये है कि रियल इमेज. ये क्यों है आपको सोचना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है. m इक्वल टू पॉजिटिव फॉर वर्चुअल इमेज. तो जब भी कभी बोल दो क्वेश्चन बच्चों के रियल इमेज मिरर्स के लिए
एम नेगेटिव, जब ये बोलते हैं वर्चुअल इमेज किसके लिए, स्फेरिकल मिरर्स के लिए, तो एम पॉजिटिव क्यों है सर? बहुत सारी चीजें समझा दी मैंने, आप इसको सोचिए समझिए, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए एंड लेट मी सी हाउ मच यू आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स एंड देन वी विल इन नेक्स्ट क्लास टेक सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस फ्रॉम मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन विच विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीबीएसई बोर्ड. थैंक यू.